गोरग्राम जिले के खादरपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। रविवार सुबह गृह मंत्री आयोजन स्थल पर पहुंचे और पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की है। गुरुग्राम में रविवार को उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में हमारे सभी सुरक्षा बल एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे भीड़भाड़ वाले इलाकों के अंदर हमारी सहायता मांगी गई हो राज्य सरकार द्वारा, चाहे लॉकडाउन का पूरा पालन कराने के लिए स्थानीय पुलिस ने हमें बुलाया हो, कहीं पर भी किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी सुरक्षा दल का हमारा जवान पीछे नहीं हटा। और आज मैं वो सभी कोरोना वॉरियर्स को इस मंच से सलाम करना चाहता हूं। पौधारोपण के बाद अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। सभी सोच रहे थे कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई भारत जैसे देश में कैसे लोग लड़ेंगे। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक हम है, और जिस प्रकार से मास एजुकेशन की सिस्टम भी नीचे तक अन्य देशों की तुलना में हमारी ठीक ठाक नहीं मानी जाती थी एक जमाने में, सबको लगता था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई भारत जैसा देश कैसे लड़ेगा। 130 करोड़ की आबादी, फेडरल स्ट्रक्चर, कोई एक चेन ऑफ कमांड की व्यवस्था के अभाव में ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे, सबके मन में आशंकाएं थी, ये जंग में कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। मगर आज पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बता दें कि देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई पुलिस, सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा बल भी संक्रमित हुए हैं, जिनमें से कई जवान इलाज के बाद, जबकि कई अभी भी इलाज करा रहे हैं। हालांकि कुछ पुलिस कर्मियों की कोरोना से मौत भी हुई है।